साल का 1 लाख रुपया डालने जा रहे हैं, करोड़ों महिलाओं को लाखपति बनाने जा रहे हैं। इनकी सरकार 7 जन्म में भी बनने वाली नहीं है और कांग्रेस को दिया हर वोट बेकार ही होना है। हिंदी अलायंस भी मेरे बहन भाइयों चलने वाला नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है। वहीं पर पंजाब में जाकर देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। गाय ने दूध दिया नहीं, लेकिन घी खाने के लिए हिंदी वालों में झगड़ा शुरू हो गया। अब ये लोग कह रहे हैं 5 साल 5 PM। वहां पर नरेंद्र मोदी जी बैठते 4 चमचे आ जाते और इनके चमचे क्या कहते हैं, वाह 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 वाह, क्या बात बोली। छठे चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में मंच संभाला तो भाषण में 22 अरबपतियों से लेकर पकौड़े तले तक का फॉर्मूला सब शामिल था, लेकिन सबसे पहले सिद्ध छेड़ा संविधान और तिरंगे का। बीजेपी के लोग खुल कर कभी नहीं कह सकते थे, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया था, ना हिंदुस्तान का तिरंगा एक्सेप्ट किया था। इस बार पहली बार इनके नेताओं ने खुल कर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। और मैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूं, आप सपने मत देखिए, आपकी बस की नहीं है, आप ये काम कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपके सामने हिंदुस्तान के करोड़ों लोग खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के प्रचार में राहुल गांधी ने जिसकी दुहाई दी, प्रधानमंत्री मोदी ने उसी तिरंगे को कश्मीर और 370 से जोड़कर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस हमारी आस्था का ही नहीं, हमारे तिरंगे का भी अपमान करती है। 370 के नाम पर कश्मीर को देश से अलग किसने रखा? 70 साल तक कश्मीर में तिरंगा किसने नहीं फहरने दिया? आज ये लोग कह रहे हैं ये सत्ता में आए तो फिर से 370 वापस लाएंगे। प्रधानमंत्री का जवाब आया उससे पहले दिलशाद गार्डन से राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज के प्रचार के लिए मेट्रो में सवार होकर लोगों के साथ सेल्फी खिंचाते हुए मंगोलपुरी निकल चुके थे। दिल्ली में राहुल गांधी का प्रचार आखिरी दिन तक अपनी पार्टी के उम्मीदवारों तक ही सिमटा रहा, जबकि केजरीवाल कांग्रेस उम्मीदवार के लिए भी रोड शो कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में है, लिहाजा बीजेपी पर केजरीवाल भी पूरी ताकत से हमलावर है। इन्होंने जेल में मुझे इमोशनली और साइकोलॉजिकली तोड़ने की पूरी कोशिश की, तो भगवंत मान साहब मेरे से मिलने के लिए आए, उन्होंने कराई। मेरी वाइफ आती थी, हमको भी जेल के इस तरफ मुलाकात कराते थे। एक दिन मेरी वाइफ को आना था, उन्होंने ईमेल डाल के टाइम मांगा मिलने का, मेरी वाइफ को मीटिंग के लिए मना कर दिया। 25 मई को वोट डालने जा रहे हैं। दिल्ली में प्रचार थम चुका है, अब गेंद जनता के पाले में है कि वो किसके दावे पर भरोसा करती है और किसे नकारती है, किस इल्जाम को सच और किस इल्जाम को झूठ मानती है, ये सब जनता ही तय करना चाहती है। तो आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यूवी इंडिया न्यूज।